ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विभिन्न कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, जो पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और इसको मैं आज आगे बढ़ाते हुए इस पोर्शन को जो मैं कहाँ तक पढ़ाया था कल, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, उसके आगे मैं आज पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि मैं बता दूँ कि सिविल टेक सोल्यूशन का एंड्रॉयड ऐप आप जरूर एक्सओ कर इंस्टॉल कर लीजिए, यह बहुत ही बेनिफिशियल एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए। तो सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो बेटा ज़रूर इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जहाँ जहाँ भी आपसे पॉसिबिलिटीज है वहाँ तक इसको शेयर करिए, ताकि चैनल प्रमोट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाए जा सकें। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। चलिए ये पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या हम इसमें हम चल रहे हैं। इसके आगे जो एक चैप्टर था आपके सामने, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये जो है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विजुअल हो रहा है, हाँ हो रहा है, यही चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। क्या कहते हैं इसको? उत्तरोत्तर अवकलन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तरोत्तर अवकलन का हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फिलहाल अभी यहाँ तक के लिए। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को बताया है, एक या दो क्वेश्चन और रिमेन है, लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड है, कुछ नहीं भी है, एक दो क्वेश्चन और हैं बस, उसको हम जैसे फिनिश करेंगे ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन आएगा, मतलब अवकलन के अनुप्रयोग जिसको हम कहते हैं, अवकलन के सरल उपयोग में एक या दो क्वेश्चन हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछता है। आप प्रयास करिएगा कि पहले सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करें, तभी सब क्वेश्चन को ट्रेस करिएगा। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से तो कभी आज तक नहीं पूछे गए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन इसका जरूर मैं डाला हुआ हूँ। मैक्सिमम मिनिमा से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको सब मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ये मैं इसके साथ जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन आप मतलब ये चलेगा, अवकलन के सरल उपयोग चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे कह रहा है इफ वाई इज इक्वल टू, एक डाटा दिया हुआ है तो आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लगवा दिया है, लेकिन इसको मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में सब आते हैं, बहुत यूट्यूब पर आपको बहुत कम ही मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। अगर आप इस चैनल को लाइक किए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो ज़रूर आपको कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, पे अटेंशन हियर। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं, तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवेन गिवेन दैट, क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, दिया है कि, दिया है, क्या दिया हुआ है, ये देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, दिया है y इज इक्वल टू e के पावर के एक्स ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, या इसके सहायता से हमको ये इक्वेशंस क्या करने हैं, हमें प्रूफ करना है, हमें इसको क्या करना है, डी टू वाई अपन डी एक्स टू माइनस टू के डी वाई वाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सीधे सीधे आप देख क्या रहे हैं कि जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है, इसका मतलब सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो सीधे सीधे पहले फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन कीजिए, उसके बाद सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करिए, उसके बाद जो आपको रिजल्ट लाना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले आपको दिख रहा है पहले उस प्रोसेस को करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का यक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी को आप कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख लीजिएगा। ठीक, हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यक्स। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स
अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका पूरा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। टेकारिटी रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का अवकलन गुणा। इसका हम डायरेक्ट अवकलन करके लिखते हैं, ए कास एन एक्स का क्या होगा, ए आपका बाहर आ जाएगा और कास का माइनस साइन एन एक्स होगा, और एन एक्स का एक बार और अवकलन होगा तो क्या आएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार ये प्रोसेस हो चुका है मेरे दोस्त। अब फिर देखिए, फिर यहाँ लिखेंगे बी साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन को हमने लिख लिया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो गया। नाउ फिर क्या होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, यानी कि ई के पावर के एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त ई के पावर के एक्स का ई के पावर के एक्स ही होगा, और के एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, क्योंकि के एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा। तो जैसा किए थे बस वैसे हमने लिख दिया। अब फिर देखिए इसके आगे और हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स के जगह पे हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मेरे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर के एक्स, इसमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं कॉमन, कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते मेरे दोस्त। अब यहां पे क्या होगा, माइनस ए एन साइन एन एक्स हो गया, और फिर यहां पे एन को बाहर कर दीजिए, बी एन कास एन एक्स हो गया। ठीक है, ये हो गई चीजें, कुछ किए अभी तक तो कुछ नहीं किया, जैसे था वैसे मैंने एज इट इज मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स इंटू ई के पावर के एक्स, यहाँ पे वाई इजीली पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वाई इंटू के हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका वाई है। क्वेश्चन में देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा तो क्वेश्चन में देख लीजिए, वाई इज इक्वल टू ई के पावर के एक्स, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, अब विश्वास हो गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे वाई के को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई के, आखिर जो भी चीजें जैसी हैं, ई के पावर के एक्स माइनस ए एन क्या होगा, साइन एन एक्स प्लस बी एन कास एन एक्स हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसा था एटेजिन मैंने वैसा पुट किया है। यहाँ पे वाई के को इधर हमने ट्रांसफर मार दिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के ई के पावर के एक्स इन ब्रेकेट ए माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स हो गया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे घेर दीजिए इसको, इसकी जरूरत अभी नहीं आगे पड़ेगी। और मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन आपका क्या था, ये इक्वेशन मान लीजिए क्या था, सेकेंड था, तो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट पहला वाला जो स्टार्टिंग में माने थे जिसको, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, इसके नीचे जो मैंने माना है वो क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब चूंकि हमको डी टू वाई अपन डी एक्स टू लाना था, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वंस अगेन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ध्यान से देखिएगा, इन इक्वेशन सेकेंड यानी कि दूसरे सेकेंड में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट दोनों साइड में, तो हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, अब फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम कर देंगे तो हमें क्या होगा, एक बार ध्यान दीजिए, इसको हम मानेंगे क्या फर्स्ट फंक्शन, इसको फिर से मानेंगे क्या सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, यहाँ प्लस का हमने लिख दिया झूठे में, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी ई के पावर के एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वंस अगेन,
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स हो जाएगा, एन आपका बाहर आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो गया आपका ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, यहाँ कॉस का माइनस साइन होगा, तो फिर यहाँ पर बी एन स्क्वायर क्या होगा साइन एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स होता है, एन आपका बाहर हो जाएगा, एन एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो एन बाहर, तो एन का एन में मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट ये क्या आ गया एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फिर जो बातें बच रही हैं, अब फिर देखिए सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो अब ई के पावर एक्स आपका, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा क्या माइनस ए एन साइन एन एक्स, देखिए क्या लिखना होगा हमको, सेकेंड फंक्शन तो पूरा लिखना होगा ना माइनस ए एन साइन एन एक्स, ठीक है, अब प्लस बी कॉस एन एक्स, ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड फंक्शन। अब फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो देखिए ध्यान से फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर के एक्स ही तो फर्स्ट फंक्शन है, तो e के पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा e के पावर के एक्स ही आएगा, और फिर के एक्स का एक बार और करेंगे तो क्या आएगा के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया, अब फिर सेकेंड फंक्शन जो भी चीज़ें थी सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, यानी कि के पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन, टी के पावर के एक्स इंटू के हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे के जगह पे कुछ हमको मिलेगा जिसको हम यहाँ इजीली पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे हम कुछ पुट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी माइन प्लस बी एन, यहाँ भी एन होना चाहिए, एन होगा ही, ठीक है, यहाँ पर भी एन होगा, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे माइनस पहले कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या आएगा ई का से एक्स, अब यहाँ पर क्या बचा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा ए का एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स बचा ना, और ए का एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स इक्वल टू क्या है वाई है, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, देख लो भाई मेरे, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या है ई के पावर के एक्स ए का एन एक्स प्लस बी साइन, यानी कि इस पूरे की जगह पे हम वाई इजिली पुट कर सकते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे e के पावर के एक्स तो हम हटा देंगे ना, इस पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एन स्क्वायर बाहर कर दिए माइनस एन स्क्वायर, जो पूरा बचा उसके जगह पे क्या पुट कर रहे हैं वाई पुट कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स इंटू ई के पावर के एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, देखिए e के पावर के एक्स माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के, ठीक है, लिख सकते हैं ना, इस पूरे के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो वही हम लिखने जा रहे हैं, देखिए कैसे प्लस इस पूरे के जगह पे हम लिखने जा रहे हैं क्या, देखिए क्या डी वाई डी एक्स माइनस क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स माइनस वाई के माइनस माइनस वाई के, आई इंटू क्या है इंटू, इसके इंटू में क्या है, इसके इंटू में है आपका क्या के, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जो भी बातें थी मैं वहां पे केवल पुट किया हूं और कुछ भी नहीं किया हूं, इस पूरे के जगह पे हमने ये वैल्यू रखा, इस पूरे के जगह पे हमने वाई रखा, अब इसको सॉल्व करके हम रिजल्ट की ओर ले चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ ऊपर एक बार देख लीजिए कोई चीज़ ऐसा तो नहीं जो छूटा हो, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, हमने इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन किया इसी का, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, इतना तो कर दिया, लेकिन वाई के का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये छूट रहा था, इसके लास्ट में हम वाई के का करेंगे तो के आपका क्या आ जाएगा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे के आपका क्या हो जाएगा के बाहर हो जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा के डी वाई बाई डी
अब हमारा रिजल्ट क्या है, हमारे हाथ में है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे क्या है आपका डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। अब के का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, के डी वाई बाई डी एक्स माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि वो वाई के बचा था सेकेंड इक्वेशन में, जिसका एक बार और अवकलन करना बाकी था। अब के और के दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो इन दोनों, ये तो क्या हो जाएगा टू के डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एन स्क्वायर वाई है, दोनों में वाई कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, टेन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इन दोनों को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, दोनों को इस साइड में जब आप शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा क्या डी टू वाई अपान डी एक्स टू। अब इन पूरे को यहाँ लाइए, टू के डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई एन स्क्वायर प्लस क्या है के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। शायद यही रिजल्ट था जिसको हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। देखिए डी टू वाई अपन डी एक्स टू माइनस टू के डी वाई बाई डी एक्स एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इन टू वाई इक्वल टू जीरो, यही रिजल्ट था, यही पूछना, यही पूछता था। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको लगवाया है, अन्यथा मुझे कोई शौक नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसीलिए मैंने लगाया है। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं भाई बड़ा बोरिंग कर रहे हैं सर, छोड़ो छोड़ो भागवटो हटाओ स्किप करो, इतना मेहनत से वीडियो बनता है बाबू, आप नहीं समझ पाएंगे इस दर्द को। इसको ऐसा मत करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है, इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, उसको आप एक एक स्टेप को देखिए और उसको समझिए, बोर मत होइए। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अगर फंसा दिया ना तो 6 महीना बेकार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए हर एक क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कभी ये मत सोच के चलिए भाई पासिंग नंबर तो आसान ही आता, कभी मत ऐसा सोचिए। मेरिट बनाना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को तो मैं शॉर्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब उस इंपॉर्टेंट में आप इंपॉर्टेंट छाटने लगेंगे अपने तरीके से, तब तो भैया इसके मालिक आप ही हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए स्किप मत करिए, चीज़ों को पढ़िए, और एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जा रहा है तो फिर आप खुद से उसको सॉल्व करिए, तभी आपकी बुद्धि गेन हो पाएगी। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू लेबनीज थ्योरम विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन ए प्रीवियस डे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट एन टाइप्स ऑफ गिवन डेरिवेटिव्स। ये आपके सामने कुछ डेरिवेटिव्स है, इसका एन टाइम हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम के हेल्प से इसका एन टाइम हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने बताया था इसको वाई के फॉर्म में लिख लेना चाहिए, जब भी हमको एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना हो लेबनीज थ्योरम से, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, पहले वाई के फॉर्म में लिख लेना चाहिए। मेरे दोस्त अगर आप लेबनीज थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप यहाँ पे कूदिएगा, नहीं तो पैर टूट जाएगा। ठीक है, कूदने से पहले आप पहले लेबनीज थ्योरम को एक बार समझ लीजिए, तब यहाँ कूदिएगा। अब इसको लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए हम उसको सुयोग्य बनाएंगे पहले, यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, गिवेन इक्वेशन क्या लिखा हुआ है आपका, जो हमको प्रूफ करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू कंपेरिजन विद द इक्वेशन आर करेक्ट आर नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या लेबनीज थ्योरम इस तरह के क्वेश्चन को लगाना हो तो पहले इसको इस फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, एंड नाउ बाय यूजिंग वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एन टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बाय
लेबनीज़ थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बाई लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बाई लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम की सहायता से हेल्प करने पर, क्या लेबनीज़ थ्योरम की सहायता से अवकलन करने पर, ठीक है ना। यहाँ पे कि आप क्या लिखेंगे, लेबनीज़ प्रमेय से अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन अवकलन करने, ठीक है, क्या करने पर, लेबनीज़ प्रमेय से क्या करने पर, यहाँ पे अवकलन करने पर। यहाँ अवकलन करना आप शुरू करते हैं कैसे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई टू है प्लस एक्स वाई वन है प्लस वाई है इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ हमें वो एक्स स्क्वायर को भी बनाना है, यानी कि इसको हमें ऐसे लिखना है वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो भी पहला फंक्शन होता है उसका एन टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है, नहीं पढ़े पीछे देख लीजिए, तो y2 का n टाइम होगा तो दो बार तो हुआ ही है, जब n बार और होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस टू हो जाएगा, बगल का जैस का तस रहेगा। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या करना, अब देखिए अभी हम केवल इसका करेंगे, पहले इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे फिर इसमें लेबनीज़ थ्योरम, इसका तो लगाना नहीं, सीधे वाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसमें लगा लेते हैं तब इसमें लगाएंगे, तो इसको भी भूले रहिए, इन दोनों को लास्ट में लिखेंगे, पहले इसी पर हम भी डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताया था, यहाँ पे एन सी वन लिखिए, ये वाई एन प्लस टू है तो एक स्टेप कम करके लिखिए, ठीक है, एन प्लस वन एन प्लस टू का एक कम करके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए बस, फिर यही चीज़। अब यहाँ पे एन सी टू लिखिए, अब वाई एन प्लस वन है तो एक कम कर दीजिए, अब टू एक्स का फिर डिफरेंशिएशन लिखिए तो टू हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि टू का डिफरेंशिएशन जीरो, इसे सारे पद आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया, इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया बाय लेबनीज़ थ्योरम बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। अब फिर वाई वन एक्स का फिर एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब वाई एन वाई वन का एन टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एन टाइम करेंगे तो वन प्लस एन हो जाएगा और एक्स का जस का तस होगा। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके, तो यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमने बताया था लिखेंगे एन सी वन, इससे एक स्टेप कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं पे इसको रोक देंगे। y आपका बचा है तो y का भी तो n टाइम डिफरेंशिएशन होगा, तो y का अगर n टाइम डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वाई एन लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई एन, वाई का भी n टाइम डिफरेंशिएशन हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा सरल करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस पूरे के बराबर क्या आएगा, कि जितना भी है रिजल्ट उस पूरे के बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिख देते हैं पूरा, वाई एन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन का एन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस एन सी टू, एन सी टू का क्या होगा, डायरेक्ट बताइए, एन फैक्टोरियल एन अपान, कल मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट देखिएगा फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल एन माइनस टू, इसको बताया था यहाँ पे एन एन माइनस वन करिए तो ऊपर एन माइनस टू हो जाएगा फैक्टोरियल, एक बार एन निकला तो एन माइनस वन, फिर एन माइनस वन निकला तो एन माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टोरियल टू इंटू एन माइनस टू, ये कट गया, फैक्टोरियल टू का मतलब टू, टू इंटू वन टू ए होता है ना, तो एन एन माइनस वन अपान टू यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एन एन माइनस वन अपान टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, एन एन माइनस वन इंटू वाई एन बचेगा, ठीक है। कल मैंने बताया था, एक बार देख लीजिएगा, एन सी टू की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर वाले एन को एक बार कामन लेंगे तो अंदर एन माइनस वन होगा, फिर एन माइनस वन को बाहर करेंगे तो अंदर एन माइनस टू होगा, नीचे भी एन माइनस टू, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। चीज़ें जब कट गई तो जो बचा आसानी से उसको लिख देंगे, ठीक है, नीचे फैक्टोरियल टू बचा और ऊपर टू है, ये है बगल में देखिए टू है ना, तो टू इंटू वन टू, और टू टू से कैंसिल हो गए, ठीक है। नहीं समझ में आया जरूर बताइएगा, फिर से भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, कसम खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें
जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ पे x हो गया, एन सी वन का n हो गया, ये वाई एन हो गया, ठीक है। और बगल में भी आपका क्या है, वाई एन दिया था। देखिए यहाँ पे बगल में क्या चीज़ें थी, वाई एन था, तो हम इसके बगल में भी वाई एन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो अपच हो जाएगा। यहाँ पे वाई एन लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, ठीक है। जितनी भी बातें हैं हमने सब यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, सब मैंने लिख दिया, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। ये कैसे सॉल्व किए हैं इसको भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको तो हम साफ कर ही देते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, क्या क्या इसमें कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान से देखिए। तो इसमें कॉमन लेकर के इन चीज़ों को क्या करेंगे, आसान करेंगे। तो देखिए ये है आपका क्या, वाई एन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए वाई एन प्लस वन, यहाँ पर भी वाई एन प्लस वन, दोनों में एक्स भी है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, वाई एन प्लस वन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टू एन प्लस वन बचेगा, क्योंकि वाई एन वन प्लस वन एक्स टोटल हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट जो लगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो चल रहा है साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाई एन प्लस वन था, वहाँ पे वाई एन प्लस वन था, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पर भी एक्स था, तो हमने एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन ले लिया इन दोनों में, यहाँ भी वाई एन है, लास्ट में भी तीनों में वाई एन है, तो सब में वाई एन कॉमन ले लेंगे। तो सब में जब हम वाई एन कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिए क्या क्या बचेगा, ये एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एन बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा। तो जो जो बातें बचेंगी मैंने सब क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे, और इसके आगे क्या होगा, खुद सोचिए, सॉल्व करिए, ठीक है, कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एन से एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो जो बचा उसको वैसे एक जस का तस लिख दें, क्या दिक्कत क्या है। तो रिजल्ट एंड फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, वाई एन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, टू एन प्लस वन वाई एन प्लस वन, चाहे एक ही में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये आपका फाइनली क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए आसान, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इसको एन टाइम डिफरेंशिएशन करना था, तो पहले वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर अलग अलग इनका एन टाइम क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में एक्स छोड़ दिया था, आपकी किताब में एक्स छोड़ दिया होगा, इसलिए मैंने उसको इम्प्रूव करके यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, पूरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन था सब मैंने लगभग लगवा दिया, इतना लगा लीजिए, फिर एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन आपके सार्थक पब्लिकेशन के बुक में दिए हैं वो सब सॉल्व कर लीजिए, बस आपके लिए इनफ हो जाएगा, एग्जाम के लिए अच्छा खासा नंबर गेन कर सकेंगे आप। अब इसके साथ जो सिंपल एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा डिफिकल्टी था, अब इसके बाद गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी। जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो साइकिल चलाते हैं तो कितना पावर लगाना पड़ता है, बहुत पावर एग्जास्ट करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं बहुत आसानी से सुरद नीचे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी तक आप ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, चढ़ रहे थे, चढ़ रहे चढ़े, अब आप पहुँच गए पिक पर, अब वहाँ से सीधे ढरकेंगे, ठीक है, मतलब रोलिंग करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ अब बहुत ही स्मूथली आपकी गाड़ी चलने वाली है, इसलिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करेंगे देखिएगा ध्यान से, अगला चैप्टर मेरा क्या होगा, अगला चैप्टर मेरा होगा, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, अवकलन के सरल उपयोग, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे आपके सामने, इसको लेकर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके सामने आपका पहला क्वेश्चन दिख गया आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 6 किलोमीटर इन टी हावर्स, वेयर एक्स इक्वल टू 125 t + 10 t² फाइंड द वेलासिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन आफ्टर 5 आवर्स, ठीक
है, टाइम इसमें दे रहा है 5 घंटे के बाद इनको हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड टाइम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझते आ रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। वो देखिए क्या है, जैसे आप पढ़े आए हैं स्पीड, चाल आप पढ़ते आ रहे हैं, या वेलासिटी जिसको हम वेग कहते हैं। पहले हम चाल की बात करें, चाल जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, जिसको हम कहते हैं क्या, स्पीड। स्पीड क्या होती है ये बताइए, ध्यान से समझिए। अगर स्पीड की वैल्यू ज़्यादा हो तो हम डेस्टिनेशन पे ज़्यादा समय में पहुँचेंगे कि कम समय में पहुँचेंगे। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कब पहुँचेंगे, कम समय में पहुँचेंगे। इसीलिए आज के लड़के लोग गाड़ी की जो स्पीड है 70, 80, 100 तक लेके जाते हैं, ठीक है, कि हम जल्दी से पहुँच जाएँ। और पहुँचना तो कहीं और कहीं और ही पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम केवल थियोरेटिकली बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करने को नहीं कर रहे हैं। अगर स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि जो स्पीड होता है दोस्त, वो क्या होता है, वो टाइम के इनवर्सली प्रिपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, टाइम के इनवर्सली प्रिपोर्शनल होता है। यानी कि टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड इसका मतलब कम है, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर हम एक जो डेस्टिनेशन है, मान लीजिए आपने स्पीड बढ़ाई, टाइम कम हुआ, टाइम बढ़ाए स्पीड कम हुआ, एंड मत जा रहे हैं आप ज़्यादा टाइम पे पहुँचे हैं तो भाई स्पीड कम करना पड़ेगा। यानी कि जो भी वेरिएशन है केवल टाइम और स्पीड में आप कर सकते हैं, दूरी में नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए हमको यहाँ से गोरखपुर जाना है, 35 किलोमीटर जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि 2 घंटा में पहुँचें तो स्पीड कम कर लेंगे, सोच रहे हैं हम आधे घंटे में पहुँच जाएँ तो स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कह दें कि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर कर दें तो पॉसिबल है, नहीं है। यानी कि यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब इनवर्सल प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस आप चलते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अगर इसको यूनिट कर दिया जाए, 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड, एक नीचे लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि नीचे एक का कोई मतलब होता नहीं है। यानी कि इसको यूनिट कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए 1 घंटा चाहे 1 सेकंड चाहे 1 मिनट, जो स्पीड होगी वो अकबर डिस्टेंस के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि एकांक समय में यूनिट टाइम में चली गई जो दूरी होती है, चले गई जो डिस्टेंस होती है, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो फिर वेलासिटी क्या है, वेलासिटी होती है जब हम एक निश्चित दिशा में चलते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट समय में जो दूरी तय करते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा की बात करेंगे तो वहाँ दूरी नहीं बोलेंगे, वहाँ क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, वेलासिटी कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे वेलासिटी है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि जो अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे स्पीड की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम वेलासिटी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है अगर सूक्ष्म है, ठीक है, तो टाइम भी सूक्ष्म में होगा। यानी कि ये क्या होगा, dt अपान यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट को यहाँ s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ds अपान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मतलब हुआ क्या कि अगर हम सूक्ष्म डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सूक्ष्म यानी कि शॉर्ट टाइम हो जाएगा। यानी कि इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो वेलासिटी को, तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम हो गया, यानी कि ds अपन dt। डी का मतलब क्या है कि हम बहुत कम डिस्प्लेसमेंट और बहुत कम टाइम की बात कर रहे हैं, या कम चाहे ज़्यादा उससे मतलब नहीं। वेलासिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ds अपन dt, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, या बहुत पहले से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये आपका v हो गया, ठीक है। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, एक्सीलरेशन का। इसका एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन को हम कहते हैं बेटा त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं।
एक्सीलरेशन, जैसे आपकी मोटरसाइकिल का जो एक्सीलरेटर होता है वो इसी शब्द से बना हुआ है। जो डिवाइस एक्सीलरेशन जनरेट करती है उसी को क्या कहते हैं, एक्सीलेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं 50 पे, आगे भीड़ आ गई, आपने स्पीड कर लिया 40, तो यहाँ आपने जो आपका वेग है, वेलासिटी है, उसमें आपने एक पर्टिकुलर टाइम में चेंजिंग किया है। इसी टाइम के अनुसार जो वेलासिटी में चेंजिंग होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो आप वेलासिटी में चेंजिंग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए आप dv वेलासिटी से चल रहे हैं और dt टाइम में आप वेलासिटी को चेंज कर रहे हैं, जो एक्सीलरेशन होगा जिसको अगर मान लीजिए हम अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, dv/dt। अगर इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में लिखना हो तो dv की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, ds/dt, यानी कि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं d2s/dt² ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो। ये एक्सीलरेशन हो गया, ये आपका वेलासिटी हो गया, ये त्वरण हो गया और ये आपका वेग हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट है जो जानना जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसका सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट हियर। अब देखिए, अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है यस, वो दिया गया है, यस दिया हुआ है, यस इज इक्वल टू दिया है आपका क्या, 125t + t² हमें क्या बताना है, 5 घंटे में इसका वेग बताना है, फिर क्या बताना है, त्वरण बताना है, यानी कि जो वी होती है, अभी आपने पढ़ा है, वो ds/ क्या होती है, dt होती है। तो हम यहाँ पे अगर स्मॉल में t को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको स्मॉल t भी लिख सकते हैं, ds/ लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम यस को क्या कर रहे हैं, टी से, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो d/dt बगल में हम क्या रख देंगे, यस रख देंगे, तो 125t + 10t² हो जाएगा। तो अब इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, आएगा 125 हो जाएगा और टी का 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, यहाँ पे 10 बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर का 2t होगा, तो 20t हो गया। ये हो गया कि आपका, ये हो गया आपकी वेलासिटी, लेकिन कब आपको जानना है, 5 घंटे के बाद, क्या है, 5 घंटे के बाद। यहाँ v5 लिख करके यहाँ पे आप उस टाइम को लिख दीजिए, 125 + 20 × 5, यानी कि 125 + 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 225। ठीक है, किलोमीटर पर आवर जो भी हो, इसका यूनिट जो भी हो, यहाँ पे जो भी यूनिट यूज किया हो, ठीक है, टी स्क्वायर हो, तो इतने में दूरी को नहीं रिप्रेजेंट किया है कि दूरी किस में है, किलोमीटर में, मीटर में, जिसमें भी हो, तो उसको यहाँ लिखेंगे, फिर हावर नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यस किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर आवर हो गया यहाँ पे 225। इस तरह से ये 5 घंटे में ये आपको क्या मिल गई, वेलासिटी मिल गई। सिंपल सा आपका सामने एप्लीकेशन है, यूज करना है बस, सिंपल है आपका, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं जो आपके यूज करने हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना बाकी है, स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। चक्र प्रकट हो, बड़ा सा प्रकट हो, ठीक है, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, ये क्या होता है आपका, dv/dt, क्या होता है, dv/dt। तो अभी अभी वेलासिटी आपने निकाला है, गड़बड़ा गया यार, चलो तो देखते हैं आता है नहीं। अजा अब जो गया भैया गया, ठीक है, अब वो नहीं आएगा। तो अल्फा क्या हो गया, dv/dt हो गया, यानी कि
हमें इसका दो बार हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। डीवी बटी डीटी यानी कि जो वेलासिटी अभी आई थी उसका हमें क्या करना, एक बार और अवकलन करना था। तो वेलासिटी कितनी आई होगी, 125 आई होगी, टी का 1 हो गया। इसका क्या आया होगा, 20 टी आया होगा, यही ना आया होगा, 125 + 20 टी। तो अब इसका कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, यानी क्या आया, 20 आया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, एक्सेलरेशन। कितना आसान है। तो वेलासिटी भी आपने निकाल लिया और क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें आपको मिल गई। ऐसे आपको एक इक्वेशन दे देगा, सिंपल एक्सेलरेशन पूछेगा, वेलासिटी मिल पूछेगा, जिसको आप इजीली क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पर है। अगला क्वेश्चन आपके एरर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले एरर से रिलेटेड कुछ बातें हो जाए, एरर कैसे डिटरमाइन करते हैं। वैसे तो फिजिक्स में मैं इसको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, जिसको जिसको फिजिक्स पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ाए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इसके बाद इस पर फिजिक्स चलने वाला है बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ब्रॉड तरीके से, बहुत ब्रॉड भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेते हुए सिलेबस के अनुसार जितनी भी पॉइंट हैं सबको कवर किया जाएगा, और फिजिक्स भी आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको इतना करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस यही चार्ज है आपका, इतना ही आपको करना है। उसके बाद फिजिक्स भी आपका बहुत अच्छे तरीके से रन होगा, उसमें इन बातों को और अच्छे डिटेल में लेके चलेंगे, यहाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह का एरर हमें निकालना हो, तो एरर निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम बताते जा रहे हैं, आपको समझाते जा रहे हैं। अब उन चीज़ों को आपको समझना है। जैसे अगर पावर में दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ, पावर उसमें अगर लगा है, तो सबसे पहला काम आप लॉग लेने का करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी हो, अगर पावर लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई वेरिएबल है वाई, मान लीजिए आपके सामने कोई वेरिएबल है वाई, और ये है ए बी स्क्वायर अपॉन सी, इस तरह का। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई वेरिएबल है और इसमें एरर काउंट करना है कि वाई की वैल्यू मेजरमेंट में कितना एरर होगा, अगर पावर के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक नीड है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो क्या है मेरे भाई, वो ड्यूटी है आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और यहाँ पे क्या होगा, लॉग ए बी स्क्वायर अपान सी होगा। तो इसी बात को अगर आपको लिखना है, तो क्या होगा, लिखेंगे लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग सी। ये कोई नई बात नहीं है, कई बार बता चुका है कि लॉग एम बटे एन को लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी स्क्वायर, टू को आगे कर दीजिए, टू लॉग बी माइनस लॉग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लॉग वाई। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि लॉग लेने के बाद अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। लॉग लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, लॉग लेने के बाद आपको क्या करना होता है, लॉग लेने के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग जब करेंगे, तो यहाँ लॉग वाई का, तो 1/y dy by dx नहीं लिखेंगे, इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे डेल वाई अपान वाई, क्या लिखेंगे, डेल वाई अपान वाई, ये लिखिए, चाहे आप क्या लिखिए, चाहे इसको लिखिए आप dx डी वाई अपान वाई। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें एक एरर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि 1/x dx का क्या होता है, log x होता है। तो जब ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन जब यहाँ पे गया, तो 1/x dx ये यहाँ पे गया, तो क्या बन गया, dy dx बन गया, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस होता है।
इनवर्स प्रोसेस होता है ना, तो यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स हो गया कि नहीं हो गया, डी डी एक्स लाग एक्स का हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। डी बाई डी एक्स लाग एक्स का डी एक्स बाई एक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो वही चीज़ है, जैसे लाग वाई तो डी वाई बाई डाई, या डेल वाई बाई वाई लिखिए, जो भी है आप लिख सकते हैं। इसका खतरनाक यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको पहले ही बता दिया है। तो इरेजर लीजिए, ऐसे करके इसको भुलवा दीजिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग जब करेंगे तो ये भी चीज़ यहाँ पे डी ए अपान ए हो जाएगा, क्योंकि टू ये भी आपका डी बी अपान बी हो जाएगा, ये भी देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा डी सी अपान सी, क्योंकि हम मैक्सिमल परमिसिबल अगर एरर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैक्सिमम आप निकाल रहे हैं तो। अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान वाई इंटू 100, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सारी चीज़ें यह क्या हो जाएंगी, परसेंटेज में आ जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। सब क्या हो जाएंगी, सभी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, परसेंटेज में आ जाएंगी, जो भी मैक्सिमम परसेंटेज आपको निकालना है। अब जिसमें जो एरर है उसको पुट करके आप टोटल वैल्यू में एरर क्या करेंगे, निकाल देंगे। सब ए की वैल्यू में एरर, ये बी की वैल्यू में एरर, ये सी की वैल्यू में एरर, ये सब इनके परसेंटेज एरर आपके सामने रिप्रेजेंट, प्यारे दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट का आपको क्या करना है, आगे यूज करना है, इसलिए मैंने इसको मोटी मोटा में बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए, देख लिया जाए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो आपके सामने अभी भी रिप्रेजेंट हुआ था, ये है, ठीक है। देखिए आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, इसको यहाँ देना ही नहीं चाहिए था, सीधे सीधे फिजिक्स की बात है। ये ज्ञात किया जाता है जहाँ जी एक स्थिर राशि है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले ज़्यादा हैं इसलिए हिंदी में पढ़ रहे हैं। यदि एल के मापन में सन्निकट त्रुटि 0.5% हो तो टी में सन्निकट त्रुटि आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पहला इसमें वर्क डन होगा वो क्या होगा, फार्मूला लिखने का, और जिसमें एरर है उसको याद रखना है, किसमें जी कांस्टेंट है, एरर अकॉर्ड इन मेजरिंग एल, एल के मान में जो एरर है वो 0.5% है। तो इस बात को यहाँ पे लिख लीजिए, एल में जो एरर है, एल में जो एरर है, एल में वो क्या है, 0.5% है, यहाँ पे कोने पर लिख लीजिए, फिर इसको गायब कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा इसको मैं क्या कर दिया, गायब कर दिया, चलिए दिया था फार्मूला, ठीक है, गिवेन फार्मूला, यहाँ पे लिखिए क्या, गिवेन फार्मूला, जो फार्मूला गिवेन था उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या फार्मूला गिवेन है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपान जी, ये दिया हुआ है। पहले तो जो हमारा बेसिक वर्क है वो करते हैं, लाग लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टेकिंग लाग, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, टेकिंग लाग, बहुत सारी जो भी चीज़ें लिखनी है आगे आप लिख लीजिएगा। हम सबसे पहला हमारा डिफॉल्ट क्या है, लाग लेना, तो क्या हो जाएगा, लाग टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग अलग कर लीजिए, लाग 2 पाई अब प्लस लाग एल बाई जी, अंडर रूट में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, लाग 2 पाई प्लस लाग एल अपान जी 1/2। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, लाग टी इज इक्वल टू लाग 2 पाई और फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 लाग एल बाई क्या हो गया, जी हो गया, 1/2 लाग एल बाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो बेटा जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टी बाई टी हो जाएगा या डी टी बाई टी हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और चीज़ें क्या से क्या हो जाएंगी, तो पहले रुक जाइए थोड़ा सा और इजी कर लें, तब डिफरेंशिएटिंग करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम इजी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाग 2 पाई हो गया, इसको थोड़ा हम ये और इजी करेंगे, तो फिर देखिए 1/2 लाग एल माइनस 1/2 लाग 1/g, नहीं लाग जी,
ठीक है, हम लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा दिया तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया। अब हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग नाउ। तो अब जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन टी हो जाएगा, और यहाँ पे टू पाई क्या होगा आपका, टू पाई जीरो हो जाएगा, वहाँ पे लॉग जी भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन बाई टू लॉग एल बचेगा, क्या बचेगा, वन बाई टू लॉग एल बचेगा। तो यहाँ पे वन बाई टू लॉग एल को डेल एल बाई एल लिख देंगे या डी एल बाई एल लिख देंगे। बस हमको एरर जो हमको निकालना है इसमें, टाइम पीरियड में जो एरर हमें निकालना है वो किस में निकालना है, परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ टेकिंग इन परसेंटेज, क्या करने पर, परसेंटेज में लेने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत में लेने पर, प्रतिशत में, प्रतिशत में लेने पर, प्रतिशत में लेंगे तो कैसे, बस कुछ करना नहीं है, 100 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, ये क्या है, परसेंटेज परसेंटेज एरर इसमें इन टी, टी का मतलब टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन टी, इस पूरे को क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर इन टी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, वन बाई टू, ये पूरा क्या कहेंगे इसको, ये कहेंगे परसेंटेज एरर इन एल, डेल एल बाई एल इंटू 100, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल एल बाई एल इंटू 100, इसका मतलब जो लंबाई में एरर है, जैसे एरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर बहुत आसान होता है निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव एरर है इसको इस प्रकार से डिवाइड करके निकालते हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं और रिलेटिव एरर क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एरर के बारे में भी समझ लेते हैं, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, हाँ। तो एक बार एरर पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम एरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका एरर जो होता है दो प्रकार का होता है, यहाँ पे हम बेसिकली दो प्रकार के एरर की स्टडी करेंगे। एक होता है आपका, देखिए यहाँ पे हम जो है दो प्रकार के एरर की स्टडी करेंगे, एक होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, एक होता है आपका क्या, रिलेटिव एरर। इन दोनों एरर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हिंदी में निरपेक्ष त्रुटि, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, और इसको बोलते हैं क्या, सापेक्ष त्रुटि, तो क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि। तो इनको हम देखते हैं ये होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जी का मान जानते हैं, जी का मान जानते हैं, वो क्या होता है, 9.8 होता है जी का मान, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब लैब में आपने यूज किया, तो लैब में आपने जब निकाला तो ये मान आ गया 9.6, ये तो आपका एक्चुअल है और ये आपका क्या है, मीजर्ड है, आपने इतना मीजर किया, ठीक है ना, ये आपका मीजर्ड मान आया 9.6 और एक्चुअल मान क्या है, 9.8, ठीक है। तो जब हम, अब देखिए इसमें और इसमें कुछ एरर है, तो जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमको एरर निकल के आएगा उसी को हम बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि आपका एक्चुअल वैल्यू और माइनस मीजर्ड वैल्यू, यानी कि एक्चुअल में जो मिल रहा, जो एक्चुअल है और जो हमें मिल रहा है उसका जो हम डिफरेंस जब निकालेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। इसी एब्सोल्यूट एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एक्स से करें या आप डी एक्स से करें या जैसे जिससे भी रिप्रेजेंट करना उससे आप करिए। इसका मान होगा क्या, आपका रियल में आपका क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू, रियल में क्या होगा ये, एक्चुअल वैल्यू
मतलब वास्तविक वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू मतलब मापित मान, यह है आपका क्या वास्तविक मान, ठीक है, क्या है वास्तविक मान और माइनस ये क्या है मापित मान, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो अब आपका तब सापेक्ष त्रुटि क्या हो गया, सापेक्ष त्रुटि क्या हो गया, देखिए कभी जरूरी नहीं है कि मेजर्ड मान कम ही आए, ज्यादा भी आ सकती है, तो माइनस में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सापेक्ष त्रुटि की अगर हम बात करें तो इसके क्या होगा, सेम वही चीज है आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू और अपान मीजर्ड वैल्यू। जब हम मीजर्ड वैल्यू को नीचे डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो भी एरर है, तो मान लीजिए ये जो आपका एरर है इन दोनों को घटाए तो एरर ही तो निकल के आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मीजर वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करें तो एरर ही तो आएगा। मान लीजिए वो डेल एक्स है और आपने जो मीजर्ड जो वैल्यू माना है वो क्या है एक्स है, तो डेल एक्स अपान एक्स यही क्या होगा आपका रिलेटिव एरर होगा। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे जो होता है वो क्या होता है मीजर्ड वैल्यू होता है, ध्यान देना है आपका। तो ये है रिलेटिव एरर डेल एक्स अपन एक्स, और ये है आपका एब्सोल्यूट एरर डेल एक्स कहिए चाहे इसको, या डी एक्स कहिए जो भी आपका आना है कह सकते हैं, समझ तो में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट, मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन हमारा अधूरा था उस पर अब चलते हैं, क्योंकि हो सकता था वहाँ आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ठीक है। तो ये भी रिलेटिव एरर हो गया, ये भी आपका रिलेटिव एरर हो गया, तो ये किस में है रे? इसमें लेंथ में है, ठीक है, एरर इन परसेंटेज एरर देखिए, क्योंकि हमने 100 का क्या करना मल्टीप्लाई किया है, तो परसेंटेज एरर इन एल, ठीक है, लेंथ में परसेंटेज एरर, तो ये तो दिया ही है लेंथ में परसेंटेज एरर, कितना दिया हुआ है 0.5%, तो जब इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा 0.25, ठीक है, क्या आएगा 0.25। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर इन टी, तो परसेंटेज एरर इन टी अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.25%, ये भी परसेंट ही है, ठीक है, तो क्या आया 0.25%। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर इन टी, जो यानी कि जो आवर्तकाल में जो एरर है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसमें लेंथ में जो एरर है, तो दिया ही था लिख दिए, तो पूरा एरर जो इसमें फाइंड करना था आपको मिल गया 0.25%। इस प्रकार आपको जो भी फार्मूला दिया होगा पहले उसको लाग में लिखेंगे, लाग में लिखने के बाद डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म होंगे सब जीरो हो जाएंगे, केवल एक ही दो टर्म बचेंगे, एक में जरूर देता है क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे देता है उसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर गेन करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। स्टेप आपको क्या यूज करना है मैं आपको बस इसके स्टेप को मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्या क्या यूज करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैंने सॉल्व किया है, यही स्टेप आपको यूज करना है, ठीक है। क्या क्या पहले आपको क्या करना है जो भी फार्मूला है पहले फार्मूला आपको लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है फार्मूला, उसके बाद क्या करना है टेकिंग लाग, उसके बाद लाग लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है डिफरेंशिएटिंग करना, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, उसके बाद क्या निकाल लेना है सीधे परसेंटेज एरर निकाल लेना है, ठीक है, परसेंटेज एरर, बस यही चार स्टेप है इस तरह के क्वेश्चन को था। फार्मूला लिखिए, लाग लीजिए, डिफरेंशिएट करिए, फिर परसेंटेज एरर 100 का मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लीजिए बस, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर में दोस्त यहीं पे समाप्त होता है, अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लाएंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर को स्टडी करेंगे, जितने भी है हम प्रयास करेंगे अगले चैप्टर अगले लेक्चर में फुल एंड फाइनल क्या हो जाए फिनिश हो जाए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद।